तो आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले स्पेन वर्सेस इंग्लैंड के बीच में होने वाले आज के पांचवे ईसीसी टी20 मैच के बारे में। आज का आखिरी टी20 मैच है ये, जो मैच होगा कैरतामा के ओवल के स्पेन के मैदान के ऊपर ही होने वाला है। यहाँ पर भी काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम आपको देखने को मिला हुआ है। आखिरी के पांच मैचेस में आपको जो भी टीम पहले बॉल ऐसी करेगी, मुझे लगता है कि 120 रन से अगर कम बनाएगी तो इजिली ये मैच हार सकती है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम हो रहे हैं। स्पेन की टीम ने आखिरी के जितने भी मैचेस खेले सारे के सारे जीत करके एक मैच भी नहीं हारी हुई है। इंग्लैंड की टीम ने तीन मैचेस आखिरी के लाइन से जीत करके हारी, उससे पहले लाइन से चारों मैचेस हार करके रही थी, यानी कि इंग्लैंड की टीम इस समय डेंजरस नजर आ रही है। तीनों मैचेस जीत करके रही है, लेकिन फिर भी स्पेन की टीम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो स्पेन के प्लेयर्स को हम ज्यादा फोकस करके टीम बनाने की कोशिश करने वाले। आखिरी मैच जो आज का टी20 है, जो कि आज का तीसरा टी20 है, वहां पे लग रहा है कि स्पेन की टीम शायद से वो मैच हार जाए। बात करेंगे एक ही प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस के साथ, कौन किस नंबर बल्लेबाजी करेगा, कौन कितने ओवर बॉलिंग करके देगा इस मैच का, आपको पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, आप फैंटेसी टीम में किन 11 प्लेयर्स को आपको लेना चाहिए जिसके साथ आप पैसे लगा करके कॉन्टेस्ट जीत सकते हो। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक का पूरा देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए फ्री का लाल बटन, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इसके लिए पीछे एक एक वीडियो से के पीछे तीन तीन चार चार घंटे का एनालिसिस होता है हमारा। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। उसके अलावा अगर आपको हमारी खुद की फाइनल टीम चाहिए, जिस टीम से मैं खुद पैसे लगाऊंगा, तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां पे ज्वाइन होना आपके लिए एकदम फ्री है। हमारे टेलीग्राम से का लिंक जहां से आप ज्वाइन हो सकते हो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में जाना, सबसे पहला जो आपको कमेंट देखने को मिलेगा उसमें आपको हमारे टेलीग्राम से का लिंक देखने मिल जाएगा। वहां भी ना मिले तो आप सीधे सीधे टेलीग्राम में ऐप कर जाना, वहां पर सर्च मार लेना है धीरे आरपीटी चैंपियन, आपको सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम से का लिंक देखने मिल जाएगा, वहीं पर ज्वाइन कर लेना। वहीं पर मैं अपने 11 प्लेयर पूरे केवीसी सभी चीजों के साथ अपनी फाइनल टीम आपको शेयर कर दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड की टीम के बारे में। देखो एच वॉट बल्लेबाज में ओपनिंग करेगा, आखिरी के हर मैच में रन बना करके आ रहे हैं और आखिरी मैच में सिर्फ 11 रन बना करके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस मैच के लिए आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा, अगर आपको लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम में जीत सकती है तो बी क्लेटन आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा। आखिरी के हर मैच में दो ओवर बॉलिंग भी पूरा कर रहा है और यहाँ पे चार विकेट मिले, यहाँ पे भी दो विकेट मिला, यहाँ पर भी एक विकेट मिला हुआ है। अब बल्लेबाजी से भी आपको रन बनाकर के देगा क्योंकि ओपनिंग करेगा, तो लेकर के जरूर चलना है, आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा। टी क्रिस्ट को लेकर के चलूंगा नहीं, एंटी क्रिस्टो हर मैच में दो ओवर बॉलिंग पूरा कर रहा है और आखिरी मैच में तीन विकेट मिला, उससे पहले दो विकेट मिला, उससे पहले भी एक। अब बल्लेबाजी से भी आपको रन बनाकर के दे रहा है, जरूरी प्लेयर है। डी लिंकन जो कि अपनी टीम के लिए कप्तानी कर रहा है, हर एक मैच के बाद रन बना रहा है, पहले मैच से 12 रन फ्लॉप, दूसरे मैच से 23 रन, फिर तीसरे मैच से 1 रन फ्लॉप, चौथे मैच से 42 रन, फिर पांचवें मैच से 5 रन फ्लॉप, छठे मैच में फिर से 60 रन की पारी खेल के दिया और सेवेंथ मैच में फिर से फ्लॉप हुआ 80 रन। तो मुझे लगता है इस मैच में डी लिंकन आपको एक बार फिर से लंबी पारी खेल करके देगा, यानी कि 40 के करीब रन आपको बना करके दे सकता है, तो जरूर लेकर के चलना। टी बेवन आखिरी मैच में फ्लॉप हुआ है, मुझे लगता है कि अगर टी बेवन को बल्लेबाज में प्रमोट किया जाए, जैसे कि फोर पे भेजा जाए या फिर तीसरे पे भेजा जाए, टॉम किस को नीचे किया जाए, तो ए टी बेवन आपको ईजिली रन बनाते हुए नजर आ जाएगा, यानी कि टी बेवन को मुझे लगता है तीसरे पे भेजा जाना चाहिए और अगर तीसरे पाएगा तो आपको 30 के करीब रन बना करके इजीली देने वाला है। ई कैलिस को लेकर के चलूंगा नहीं, एस पियर्स जो कि एक स्पिनर बॉलर है, मैंने आपसे हमेशा से कहा है इसको एक ओवर बॉलिंग मिलेगा तो वहाँ पे मिनिमम एक विकेट लेकर देगा, दो ओवर बॉलिंग मिलेगा तो दो विकेट लेकर के देगा, हर मैच में विकेट लेकर के जरूर देगा, विकेट टेका बॉलर है उस। यहाँ पर भी आपने देखा सिर्फ तीन बॉल बॉलिंग किया, वहाँ पे दो विकेट मिल गया, यहाँ पे दो ओवर बॉलिंग किया दो विकेट मिले, यहाँ पे भी दो ओवर बॉलिंग किया दो विकेट मिले हुए, जब भी बॉलिंग कर रहे हैं जरूर विकेट लेकर के जा रहा है। एक गोसाल हर मैच में विकेट लेकर के जा रहा है, जरूरी बॉलर रहेगा। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग आपको सभी टीमों में लेकर के चलना है। कुबेरा की डीओ पिक में भी हमें काफी अच्छा विनिंग कराया हुआ है, एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार। कुबेरा की डीओ पिक में होता क्या, वहाँ पे पांच प्लेयर दिए होते हैं, उनमें से किसी एक प्लेयर को चूज करके सेम नॉर्मल फैंटेसी की तरह एक प्लेयर को अपने पूरे पैसे लगाने होते हैं, वहाँ पे हमने अपनी टीम में एक गोसाल को लिया हुआ था। जे चौहान को लेकर के चलूंगा नहीं, एम रसेल ने आखिरी मैच एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया, उससे पहले हर मैच दो ओवर बॉलिंग पूरा कर रहा था, लेकिन जैसे ही वहां पे देख सकते हो आखिरी मैच एक भी ओवर बॉलिंग नहीं मिला, पहली बार ऐसा हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये बॉलिंग करेगा तो आप जरूर लेकर के चलना, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आखिरी मैच की तरह बॉलिंग नहीं करेगा तो मत लेकर के चलना। अब मैं जरूरी प्लेयर्स की बात करूँ, बी क्लेदन आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा, एंटी रिस्टो आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा, उसके यहाँ से डी लिंकन आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा, उसके यहाँ से एक गोत्साल आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा,
एस पियर्स आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा। अब आप ले किसको सकते हो? अगर आपको लग रहा है कि बॉलिंग करेगा एम रसेल तो इसको लेकर के चल सकते हो। आपको लग रहा है कि टॉम बेवन बल्लेबाज में तीसरे पे आएगा, अगर आपको लग रहा है कि तीसरे पे आएगा तो आप इसको लेकर के चल सकते हो। बाकी मैं आपको कहूंगा एच वॉर्ड और टॉम बेवन में से किसी एक ही प्लेयर को लेकर के चलना, जो भी आपको ज्यादा अच्छा लग रहा हो। बात करें अपने बेंच के प्लेयर, अगर इनमें से कोई भी खेल रहा होगा तो उसका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं टॉस हो जाने का लाइनअप आ जाने का तो अपने टेलीग्राम सर को आपको फ्री में शेयर करूंगा। आप में से जितने भी लोग हमारे टेलीग्राम सर को पहली बार आए हो या फिर आने वाले हो, टेलीग्राम सर को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि टॉस हो जाने का लाइनअप आ जाने का जो भी हमारी खुद की फाइनल टीम होगी वो आपको इसी तरीके से पूरे 11 प्लेयर पूरे केवीसी सभी चीजों के साथ हमारे टेलीग्राम सर को आप फ्री में देखने मिल जाएगा। फ्री में मैं अपनी टीम से करता हूँ। टेलीग्राम सर का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में सबसे वो पिन किया हुआ देखने मिल जाएगा। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यानी कि टेलीग्राम सर को ज्वाइन आपके लिए फ्री भी है, जरूरी भी है, आसान भी है। टेलीग्राम सर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूला। टेलीग्राम सर को ज्वाइन आपके लिए मस्त पिक होने लगा, आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो। वहीं अगर बात कर अपने स्पेन की टीम के बारे में, देखो यसीर अली हर मैच में 2 ओवर बॉलिंग पूरा कर रहा है और बल्लेबाज में भी ओपनिंग के लिए आ रहा है। यानी कि इस मैच के लिए आपके केवीसी के लिए नंबर 1 प्लेयर रहेगा, चाहे वो आप स्मॉल लीग टीम बना रहे हो या फिर आप जीएल खेल रहे हो यानी कि ग्रैंड लीग में पैसे लगा रहे हो। दी यहां से 2 ले कर ले। देखो 57 रन आखिरी मैच है, उससे पहले 51 रन, उससे पहले 17, उससे पहले 25, उससे पहले 23, उससे पहले 2, उससे पहले 57, हर मैच के अंदर रन बनाकर दे रहा है। स्पेन की टीम सिर्फ और सिर्फ इस सीजन में अपना एक मैच हार करके आ रही है, वो भी अपना आखिरी मैच। तो मुझे लगता है कि स्पेन की टीम आपके लिए जरूरी टीम रहेगी, ये दोनों प्लेयर्स आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेंगे। असगर यहाँ से भद को लेकर के चलूंगा नहीं, बल्लेबाज में मैक्सिमम टाइम नवे नंबर करीब आता है, बॉलिंग करता नहीं है तो लेकर के नहीं चलूंगा। मुझे लगता है इस मैच में भी इसका बल्लेबाज क्रम काफी नीचे हो जाएगा। एल बर्न की बात करो, आखिरी मैच 2 ओवर बॉलिंग भी पूरा किया, एक विकेट भी मिला, उससे पहले 32 रन, उससे पहले 1 ओवर बॉलिंग, उससे पहले यहाँ पे 2 ओवर बॉलिंग। कई बार बॉलिंग मिल जा रहा है, कई बार बल्लेबाज मिल जा रहा है, कई बार कुछ भी नहीं मिल रहा है। और परफॉर्मेंस एक ही मैच करके दिया हुआ, जहाँ पे हमने अपनी टीम में रखा हुआ था 2 ओवर बॉलिंग करके इसको 3-3 विकेट मिले थे। तो जरूरी प्लेयर रह सकता है अगर आपको लग रहा है कि पहले बॉलिंग करिए और इसको 2 ओवर बॉलिंग पूरा मिलेगा, बाकी मैं लेकर के नहीं चलने वाला। एच सलीम दर की बात करूं, हर मैच अब जो है 2 ओवर बॉलिंग पूरा मिल रहा है, अब बल्लेबाज में भी 4-5 नंबर पे नजर आ जा रहा है। तो जरूरी प्लेयर रहेगा, आखिरी मैच में भी इसको 3-3 विकेट मिला हुआ है और हमने अपने कुबेरा के डीओ पिक में भी रखा हुआ था, वहां पे भी 1 साइडर जीते हुए। और फैंटेसी की टीम में भी हमने अपने वाइस के में बनाया हुआ था, वहां पर भी 1 साइडर जीते, एक भी यूजर हमारा हारा नहीं है। उसके बाद एम एहसान को लेकर के बिल्कुल नहीं चलूंगा, सी मुनोज मिल्स को बिल्कुल लेकर के नहीं चलूंगा, बल्लेबाज में काफी नीचे आएगा, बॉलिंग करेंगे नहीं। ए एल्गर का भी सेम वही है, ऐसा विकेट कीपर खेल रहा है, इसको भी लेकर के नहीं चलूंगा। टॉम वाइन हर मैच 2 ओवर बॉलिंग पूरा कर रहा है, आखिरी मैच फ्लॉप हुआ जैसा कि मैंने आपसे कहा था। अगर आपको लग रहा है कि इस मैच 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा तो लेकर के चल सकते हो। सी रूमी आखिरी मैच 1 ओवर बॉलिंग नहीं मिला, उससे पहले 3-3 विकेट लिया, हमें अपने दम के ऊपर जिताया। पहले मैच 2 ओवर बॉलिंग करके 2-2 विकेट मिला, यहां पर भी मैंने अपनी टीम में रखा था, 2 ही मैचेस में रखा और दोनों मैचेस में अच्छा किया, बाकी सभी मैचेस में फ्लॉप हुआ। अगर आपको लग रहा है कि बॉलिंग करेगा, अगर आपको लग रहा है कि बॉलिंग करेगा तो लेकर के जरूर चलना, खासतौर पर जब स्पेन की टीम पहले बॉलिंग करे। लेकिन आखिरी मैच में बॉलिंग नहीं किया तो लेकर के नहीं चलूंगा। आतिफ मोहम्मद जो कि हर मैच में 2 ओवर बॉलिंग पूरा करे, बॉलिंग से आखिरी कॉस में बॉलिंग करे, जरूरी प्लेयर रहेगा। अब मैं जरूरी प्लेयर्स की बात करूँ, देखो यसीर अली रहेगा, दी यहाँ से दोयल केल रहेगा, उसके बाद यहाँ से आपके एच सलीम दर रहेगा, उसके बाद आप यहाँ से सीधे सीधे बॉलिंग ऑप्शन आ जाना आतिफ मोहम्मद। अब आपको ये दोनों में से किसी एक को लेकर के चलना है, जिसको आपको लग रहा हो कि बॉलिंग मिलने वाला आप उसी को लेकर के चल सकते हो। मान लो इनमें से कोई प्लेयर बेंच में से खेल रहा होगा तो उसका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं टॉस हो जाने का लाइनअप आ जाने का तो अपने टेलीग्राम से को फ्री में शेयर करूंगा, तो ज्वाइन होना मत भूला। हमारे टेलीग्राम से का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। बात करें देखो आखिरी मैच में प्रिंस धीमन जो है ऑलराउंडिंग ऑप्शन में नाम देखने को मिलेगा, वो नहीं खेल रहा था, तो अगर खेल रहा होगा तो बिना कुछ सोचे आपको लेकर के चलना है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया प्रिंस धीमन के बारे में, जिसका नाम आपको ऑलराउंडर्स में देखने को मिलने वाला है, लेकिन आखिरी मैच स्पेन के मैच में नहीं खेला हुआ है। एक एक प्लेयर का ये जो मेरी टीम है इनिशियल टीम है, जो कि टॉस होने से पहले की टीम है। टॉस होने का मान लो कोई नए प्लेयर्स खेल रहे होंगे, नए अच्छे अच्छे प्लेयर्स खेल रहे होंगे, तो उसके बाद जो भी हमारी खुद की फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम सर्वर पर देखने को मिल जाएगी। ज्वाइन होना मत भूलना, फ्री की चीज है, वहां पे फ्री में टीम शेयर करूंगा। टेलीग्राम सर का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन किया हुआ देखने मिल जाएगा। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उसके अलावा देखो आखिरी के 6-7 महीनों से मैं अपना पूरा पैसा जो है सिर्फ 11 चैलेंजेस ऐप को लगा रहा हूं, देख सकते हो मैं खुद भी इसी पे खेलने वाला हूं। रीजन क्या है,
सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे आपको फैंटेसी के जितने भी एप्लीकेशन है सबसे ज्यादा लो एंट्री फीस देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरे कहने पास एक बार आपने 1000 रुपए लगाओ बिना हारी आपको 100 रुपए बचा लोगे, 10000 रुपए लगाओगे तो 1000 बचा लोगे सिर्फ और सिर्फ एंट्री फीस के रूप में। उसके भी पर आपको 4 से 15% बोनस के भी पैसे को यूज करने को मिलेगा। लेवन चलिए जैसे आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो अभी कभी वहां से डाउनलोड करके मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो। रीजन इस मैच के अंदर भी अपने पूरे पैसे जो 11 चैलेंजेस पे लगाने लो, यहाँ के यूट्यूबर्स को टारगेट करूंगा जिससे कि हमारी टीम के 11 चैलेंजेस पे और भी जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे इसके ऊपर दूसरे फैंटेसी एप्लीकेशंस के हिसाब से। 11 चैलेंजेस से आपका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो अभी कभी वहां से डाउनलोड कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत।